हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आलोक पांडे और मैं लेके आया हूं मैजिक ऑफ मॉलिक्यूल्स की तरफ से अगला वीडियो फॉर द चैप्टर इक्विलिब्रियम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ली चैटेलियर प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बताता है कि रिएक्शन का जो डायनेमिक नेचर है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन का जो डायनेमिक नेचर है, उसमें अलग अलग फैक्टर्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो टॉपिक का नाम देखते हैं। टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम क्या है, ली चैटेलियर प्रिंसिपल। अब जो ली चैटेलियर नाम का साइंटिस्ट था उसने क्या बोला, सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एनी इफेक्ट इन एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ईटीसी इजली डिस्टर्ब्स दी इक्विलिब्रियम, देन इट मूव्स आइदर इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन टू अनडू, अनडू के ब्रैकेट में क्या लिखा होगा, डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ चेंज। सर इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली बताइए। तो बच्चों ध्यान से सुनना, ली चैटेलियर प्रिंसिपल जो है उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान है। एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए आपके घर में मामा आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? मामा। अब मामा आ रहे हैं तो मम्मी तो बहुत एक्साइटेड होंगी, क्या खिला दूं क्या पिला दूं, मेरा भाई आ रहा है। तो उसी बीच में आप अपने फायदे के लिए मम्मा से कहते हो, मम्मा मामा को तो सॉफ्ट ड्रिंक बहुत पसंद है, आप ना थम्सअप मंगवा लो बड़ी वाली, मम्मा मामा को बहुत पसंद है। तो क्या होगा, मम्मा आपके भाई को भेज देती है कि जा बाहर से थम्सअप बड़ी वाली बॉटल लेके आओ। अब मामा आते हैं और मामा को कोल्ड निकलता है। अब मामा को कोल्ड है तो मामा तो कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पियेंगे। अब मामा जब चले जाते हैं तो आप में और आपके भाई में क्या शुरू हो जाती है, लड़ाई। उस लड़ाई में आपका क्या मतलब होता है कि मैं पीऊंगी कोल्ड ड्रिंक, ये बॉटल मेरी है। भाई कहेगा नहीं वो मेरी है, वो कहेगा, आप कहोगे कि बोला तो मम्मा को मैंने, उसने, वो कहेगा लेने तो मैं गया था। तो इस लड़ाई के बीच में, छीना झपटी के बीच में वो बॉटल आपके हाथों में आ जाती है। और जब वो बॉटल आपके हाथों में आ जाती है और उसका खोलते हो तो एकदम से उसकी बहुत सारी झाग आपके मुंह पे चली जाती है। तो आपका भाई हंसने लगता है, देख देख क्या हो गया क्या हो गया। सिनेरियो नंबर वन। सिनेरियो नंबर टू सेम दोबारा होता है, बॉटल आपके हाथों में आती है, उस बॉटल को आप 2 से 4 मिनट के लिए साइड में रख देते हो और जब उसको ओपन करते हो तो उसमें झाग नहीं बनती। अब इसके ऊपर लॉजिक क्या है कि जब छीना झपटी हुई तो उस सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल में, मान लीजिए ये बॉटल है और उसके अंदर क्या है, थम्सअप है तो मान लीजिए, या कोका कोला है तो कोला फ्लेवर है, क्या है बेटा कोला फ्लेवर, और एक CO2 होगी और एक क्या होगा सोडा वाटर, है ना, सोडा वाटर जिसे कहते हैं, CO2 और सोडा वाटर में क्या होगा इक्विलिब्रियम। अब आपने क्या लगा दिया उसमें, पी एक्सटर्नल। पी एक्सटर्नल लगाने से जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम बना हुआ था, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, वो किस किस के बीच में था, CO2 में और वाटर के बीच में, आपस में क्या था इनमें मिक्सिंग थी, है ना, CO2 वाटर मिक्स हो रहा था, वाटर CO2 मिक्स हो रहा था, तो आपने उसे डिस्टर्ब कर दिया। तो इसीलिए जैसे आपने उसको खोला वो झाग निकल गई, लेकिन जब आपने थोड़ी देर रख दिया तो क्या हुआ, वो बबल सेटल डाउन हो गए, मतलब कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए, बैकवर्ड में। ऐसा ही दूसरा एग्जांपल है फॉरवर्ड का, कि आपके घर में स्पंज वाला सोफा है, स्पंज वाला सोफा है मतलब स्पंज और एयर में क्या बना हुआ इक्विलिब्रियम। एक मोटे अंकल आके बैठ जाते हैं धम से, जब अंकल बैठते हैं तो क्या होता है, एकदम से सोफा नीचे की तरफ जाता है और फिर हल्का सा ऊपर होता है बैलेंस बनाने के लिए। तो वहां क्या किया अंकल ने, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया और इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में रीअरेंज हो गया, फॉरवर्ड में। तो इस तरह के एग्जांपल से आपको कुछ आइडिया तो लग ही गया होगा कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जा सकता है और डिस्टर्ब करने के बाद वो अपने आप को रीएडजस्ट करता है, या तो फॉरवर्ड या तो
बैकवर्ड डायरेक्शन में। चलिए इसी को हम समझेंगे, आगे देखेंगे। आगे की कहानी क्या है बच्चों? आगे की कहानी है, सबसे पहला जो इफेक्ट है उसे हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। क्या कहते हैं बच्चों? इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को समझते हैं तो हम बोलेंगे केस वन। केस वन क्या है? इफ वी इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स तो क्या होगा? यह केस वन का ए पार्ट है। जैसे मान लीजिए आर रिएक्टेंट है और पी प्रोडक्ट है। अब हम यहां पे क्या करते हैं, एक्स एम मतलब एक्स मोल पर लीटर रिएक्टेंट ऐड कर देते हैं। अब या तो इधर भी एक्स ऐड हो या ये एक्स रिमूव हो या आधा उधर चला जाए, तीन ही बातें होंगी। तो ना हम एक्सटर्नल कोई चेंज कर ही नहीं सकते, ना निकाल सकते ना डाल सकते। जो आ गया अब उसी को बैलेंस करना है, तो ऑब्वियसली इस एक्स को इक्विलिब्रियम को रीअरेंज करने के लिए इधर जाना पड़ेगा, जिससे कि ये भी कितना बचे एक्स बाय टू और ये भी कितना बचे एक्स बाय टू। तो रिएक्शन को कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होना पड़ेगा? यू आर राइट, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऐसे ही दूसरा पार्ट, इफ वी डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो रिएक्शन को कौन सी डायरेक्शन में होना होगा? बैकवर्ड। इसके लिए हम ज्यादा नहीं सोचेंगे, हमने रिएक्टेंट में ऐड किया तो फॉरवर्ड और डिक्रीज करेंगे तो उधर से कुछ लाना पड़ेगा। ये इमेजिन करते हुए रिएक्शन की डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट। एक केस सोचो, दूसरा इनवर्स कर लो, ठीक है। अब ऐसे ही इधर आ जाओ, केस टू। केस टू क्या है? ए पार्ट, इफ वी इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए आर रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट है। अब आपने एक्स एम इधर ऐड कर दिया, तो एक्स एम में से एक्स बाई टू को इधर ले जाने के लिए रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगी? बैकवर्ड। तो हम बोलेंगे इस वाले में हमें लिख देना चाहिए यहां पे आंसर एक बारी और। ऐसे तो डायग्राम में या रिएक्शन में मैंने लिख ही दिया है, फिर भी दोबारा लिख रहा हूं। रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा यहां पे? फॉरवर्ड, है ना। ऐसे ही यहां पे बी पार्ट है, इफ वी डिक्रीज, यहां भी लिख दूं, इसे हम क्या बोलेंगे अब, ये बैकवर्ड। इफ वी डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट तो रिएक्शन को कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होना पड़ेगा? फॉरवर्ड। आई होप आपको ये समझ आया होगा। दोबारा सुन लीजिए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में इक्विलिब्रियम है, रिएक्टेंट में कुछ ऐड होगा तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी? फॉरवर्ड। डिक्रीज होगा तो बैकवर्ड। ऐसे प्रोडक्ट में कुछ ऐड होगा तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी? बैकवर्ड। और डिक्रीज होगा तो कहां जाएगी? फॉरवर्ड। बड़ा ही सिंपल टॉपिक था, आई होप सबको ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के बाद जो दूसरा टॉपिक आता है उसे हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या कहते हैं? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या करता है? तो एक्चुअली टेम्परेचर का इफेक्ट जानने के लिए हमें रिएक्शन का नेचर पता होना चाहिए कि वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो हम बोलेंगे, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए आप बैंक वाले हो जो लोन देते हो, आप एक बहुत अमीर आदमी के घर पहुंच जाते हो जिसके घर में पैसे रखने की जगह नहीं हो रही, नया बेड खरीद के ला रहा है, पैसे रखेगा, इमेजिन कर लो। अब उसके घर आप जाते हो, सर आपको लोन दे देंगे, सस्ते इंटरेस्ट पे दे देंगे, आपको बहुत फायदा होगा, बैंक की नई स्कीम आई है, ऐसा ऐसा बोलते हो। वो कहेगा पीछे घूम, एक लात मार के आपको भगा देगा। वैसे आप रोड पे जा रहे हो, पंचर की शॉप बनाने मतलब पंचर बनाने वाला है, उसकी शॉप है, आप उसको कहते हो लोन ले लो, अपनी शॉप बड़ी कर लो, आपका बिजनेस ग्रो करेगा, तो आपको सपोर्ट करेगा, कहा आओ जी बैठो, कुछ खाओगे क्या, कैसे हो पाएगा काम, है ना। तो पॉइंट क्या है कि जो अमीर आदमी है वो एक्सोथर्मिक है, जिसमें ऑलरेडी टेम्परेचर क्या है ज्यादा, उसको आपने टेम्परेचर दिया मतलब पैसे दिया तो उसने आपको लात मारी, मतलब क्या हुआ? बैकवर्ड। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑलरेडी टेम्परेचर एक्सेस में रखती है, उसमें अगर आप टेम्परेचर रेज करते हो तो रिएक्शन बैकवर्ड होगी। और एंडोथर्मिक मतलब गरीब आदमी जिसको पैसे की जरूरत है, गरीब रिएक्शन जिसको टेम्परेचर की जरूरत है एंडोथर्मिक, उसको जब आप टेम्परेचर देते हो तो रिएक्शन आगे बढ़ती है, मतलब कौन सी डायरेक्शन है? फॉरवर्ड। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? केस वन। क्या बोलेंगे? बोलो बोलो, एक्सो थर्मिक रिएक्शन। इसमें बोलोगे सच रिएक्शन हैव एक्सेस टेम्परेचर।
जैसे R tends to P प्लस में क्या लिखा होगा Q, या R tends to P इसका जो डेल्टा H है वो क्या होगा नेगेटिव, या इसका जो Q का साइन होगा वो क्या होगा नेगेटिव। तो हम बोलेंगे अगर हम यहां पर इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगी बैकवर्ड, और अगर हम डिक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगी यू आर राइट फॉरवर्ड, है ना आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आते हैं केस टू पर, एंडोथर्मिक रिएक्शन सच रिएक्शन रिक्वायर टेम्परेचर, इन रिएक्शन में किसकी जरूरत होती है टेम्परेचर की। अब अगर इन रिएक्शन में टेम्परेचर की जरूरत है तो अगर हम जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, R tends to P, Q मैंने यहां पे ऐड कर दिया, या R tends to P और इसका जो डेल्टा H है वो क्या आया पॉजिटिव, या इसका जो Q है वो क्या आया पॉजिटिव। तो अगर हम यहां पे इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर तो ये सपोर्ट करेगा और रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी फॉरवर्ड, कौन सी डायरेक्शन में जाएगी फॉरवर्ड, और अगर हम डिक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी यू आर राइट बैकवर्ड। ठीक है बेटा, तो मैं साइड हो रहा हूं, फटाफट इसको नोट डाउन करिए। तो आई होप आपको ये दोनों फैक्टर्स समझ में आ गए होंगे, है ना। तो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और दूसरा क्या था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर सी पार्ट, क्या बोला हमने इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब बच्चों प्रेशर भी दो तरह का होता है, एक होता है एक्सटर्नल प्रेशर और एक होता है इंटरनल प्रेशर। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर की बात करोगे तो वो ज्यादा चीज को कम करता है मतलब कंप्रेशन, और इंटरनल की बात करोगे तो वो कम को ज्यादा। जैसे अगर आप सिरिंज जो होता है या पिचकारी जो होती है या पिस्टन जो होता है उसको देखते हो तो वो कंप्रेशन को सपोर्ट करता है मतलब एक्सटर्नल प्रेशर, वहीं आप प्रेशर कुकर को देखते हो तो क्या होता है वो इंटरनल, है ना, बलून का एग्जांपल इंटरनल। तो पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है कि हम यहां पे कौन सा प्रेशर देखेंगे, तो हम यहां देखेंगे एक्सटर्नल प्रेशर। हम बोलेंगे हियर वी अप्लाई एक्सटर्नल प्रेशर। सो केस वन, अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव आता है मतलब एनपी माइनस एनआर क्या आ रहा है पॉजिटिव, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट से क्या आ रहा है ज्यादा। और हम यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ए टू ए गैस प्लस थ्री बी गैस गिव्स एट सी गैस। अब आपको इसमें डेल्टा एन जी निकालना होता तो आप क्या करते, इसका मोल एट और इसका 2 प्लस 3 तो कितना आंसर आता प्लस 3। अब आप देखो ये 8 है और ये 5 है, तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वो ज्यादा से कम की तरफ अप्लाई होगा। तो हम बोलेंगे इफ वी इंक्रीज प्रेशर, अगर हम बढ़ाते हैं प्रेशर तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हुई बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना। और अगर हम डिक्रीज करते हैं प्रेशर तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगी यू आर राइट फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आप समझ सकते हैं। इसके बाद आ जाइए केस टू। केस टू क्या है कि अगर मान लीजिए डेल्टा एनजी नेगेटिव आ रहा है मतलब एनपी माइनस एनआर की वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव, तो ये तो कंफर्म हो गया कि नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कम है। जैसे कि मान लीजिए 3A गैस और उसमें 2B गैस बन रहा है, सिंपल है, तो आप देख सकते हो डेल्टा एनजी अगर आप निकालोगे तो 2 माइनस 3 कितना आता माइनस 1। तो अगर हम इंक्रीज करते हैं प्रेशर को तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी ज्यादा से कम, कौन सी डायरेक्शन है आप ही बताओ,
ज्यादा से कम कौन सी डायरेक्शन है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर हम डिक्रीज कर देते हैं प्रेशर को इस कंडीशन में, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी बेटा? बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आप समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है प्रेशर का। बोलिए क्लियर है? अब आते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट, डी पार्ट क्या है बेटा? इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कितने लोग जानते हैं कैटलिस्ट होता क्या है? एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपको एक कटोरी दाल और चावल मिल गया और कहते हैं, और चम्मच डाल के, दाल की कटोरी में चम्मच डाल के दे दिया, और आपने क्या किया, चावल पे दाल को उड़ेला, चम्मच से मिला के खा लिया। तो वहां प्लेट और चम्मच दोनों ही कैटलिस्ट है। मतलब दाल और चावल को मिक्स किया चम्मच से और खा गए, बाद में चम्मच तो नहीं खाए, तो चम्मच क्या है? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट होता क्या है? जो रिएक्शन को स्पीड अप करने में या स्लो डाउन करने में हेल्प करता है, और रिएक्शन के एंड में एज इट इज वापस आ जाता है। दूसरा, प्लेट मैंने क्यों बोला? क्योंकि वो अपना क्या प्रोवाइड कर रहा है? सरफेस। तो अगर आपसे कोई पूछे कैटलिस्ट क्या है, तो आप बोलोगे कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन के स्पीड को ऑल्टर कर सकता है, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज। आगे नाम भी आते हैं, प्रमोटर या पॉइजन। अब जब रिएक्शन की स्पीड को स्लो डाउन या स्पीड अप कर रहा होता है, तो वो रिएक्शन के एंड में एज इट इज वापस आ जाता है, प्लस वो अपना सरफेस प्रोवाइड करता है किसी भी रिएक्शन को होने के लिए। यहां पे हम क्या बोलेंगे? बाय यूजिंग ए कैटलिस्ट, बाय यूजिंग ए कैटलिस्ट, द स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्टर्ड एंड इक्विलिब्रियम is attained faster. Equilibrium is attained faster. अब आ जाओ इफेक्ट ऑफ नोबल गैस। क्योंकि नोबल गैस खुद आयनाइज नहीं होती है, तो एट पर सीबीएसई लेवल आप सिंपल सी बात याद कर लीजिए, नो इफेक्ट। ठीक है ना, सिंपल। तो ये दोनों पॉइंट तो कुछ खास नहीं थे। अब मैं साइड हो रहा हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन से ही इसको समझ लेते हैं फटाफट, है ना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? फॉर द रिएक्शन 2x गैस प्लस 3y गैस गिव्स 5z गैस। डेल्टा एच बी आपको गिवन है, मान लीजिए कितना, माइनस का 40 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और आपसे क्या कहता है? प्रेडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन ए पार्ट 4mx एडेड, बी पार्ट 3mz एडेड, सी पार्ट 2my रिमूव्ड, डी पार्ट टेम्परेचर रेज्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस, और ई पार्ट प्रेशर ऑफ 20 atm अप्लाइड, प्रेशर ऑफ 20 atm अप्लाइड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले आप देखिए क्या कहता है, इसके मोल कितने हैं? 2 और 3, 3 2 5 और ये 5। तो इसका मतलब क्या हुआ? टोटल जो आएगा वो 0 आएगा डेल्टा एन जी। एक्स एड हो रहा है तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड। Z ऐड हो रहा है तो रिएक्शन कहां आएगी? बैकवर्ड। Y ऐड होता तो फॉरवर्ड, रिमूव हो रहा है तो क्या आएगा? बैकवर्ड। टेम्परेचर रेज हो रहा है, अब ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक, तो इन्वर्सली होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? बैकवर्ड। अब प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो डेल्टा एन जी इसमें क्या आ रहा है? 0। तो आप बोलोगे नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बाकी हम क्वेश्चंस अलग से करेंगे। ली चैटेलिए प्रिंसिपल को कॉन्सेप्चुअल वे में सिंपल से एग्जांपल के थ्रू मैंने यहां पे आपको समझाया। अगले वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस कवर अप करेंगे, जिसमें हम आपको डिसोसिएशन पर मोल के बारे में बताएंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर के कवर करेंगे। फिर हम शुरू करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिस से जुड़े रहने के लिए थैंक यू।